हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और मॉर्निंग के काम सारे पेंडिंग हैं। आज मैं लेट से उठी। मैं आजकल 15 डेज से आई थिंक वॉक पर ही जा रही हूँ। बहुत ही ख़राब बात है अगर मैं शेयर कर रही हूँ तो यहाँ, बट मेरा मन नहीं हो रहा कहीं जाने का एंड एक्स्ट्रा काम बहुत हो रहा है, तो मुझे उसका ही घूमता रहता दिमाग में, तो मैं अपने शेड्यूल नहीं कर पा रही हूँ। बट आज मैं जुम्बा घर पर करूँगी एंड सबसे पहले मैंने कल जो शॉपिंग करके आई हूँ वो सारी चीज़ें अरेंज करूँगी, ले जाने का सामान अलग करूँगी। एंड मेरा पूरा कवर्ड फैला हुआ है बिकॉज मैंने ठीक नहीं किया है काफ़ी टाइम से। तो मैं सोच रही हूँ पहले क्या करूँ, मे बी मैं पहले पूजा करूँगी उसके बाद मैं पूरा अपना कवर्ड क्लीन करूँगी। मैं दिखाती हूँ मेरे कवर्ड की हालत। तो मैं शो रखा है, मुझे सारे फुटवेयर्स अरेंज करने हैं अच्छे से एंड सारे कपड़े अरेंज करने हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं सब अच्छे से, बहुत सारी चीज़ें मैंने हटाई नहीं है, तो मैं सारे जो फुटवेयर्स अब नहीं पहनती हूँ या थोड़े ख़राब हो गए, जो कि रिस्की होता कहीं पहन के जाना, मुझे पता नहीं चलता, वो काफ़ी टाइम से फुटवेयर रखे होते हैं और फिर जो मैं पहनती हूँ पता चलता है कि मे बी उसका जो स्टिकी जो ग्लू वाला होता है ना वो पोर्शन वो वीक हो चुका होता है, इसलिए वो कहीं जाओ तो खुल जाता है और वो सिचुएशन जो थी बहुत ख़राब होती है। और वो अक्सर मेरे फेवरेट फुटवेयर्स के साथ ही होता है, इसलिए मैं सारे अभी आज बैठ के चेक करूँगी और जो नए फुटवेयर्स आए वो रखूँगी और उसके जगह जो मैं नहीं पहनती हूँ और मैंने मोह माया के चक्कर में रखा वो सारे हटाऊँगी। तो ये थी अपडेट और मैं क्या लेके आई वो भी मैं शेयर करूँगी। तो क्लीनिंग हो चुकी है, लंच भी हो चुका है, बहुत सारा काम करने के बाद मैंने सोचा कि वीडियो में मैंने बोला था आई विल शो यू मैं क्या परचेज करके लाई हूँ फ्रॉम वेबसाइट, और सब स्टॉक को मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ें पैक कर दी, उसको निकाल के दिखाऊँगी प्रॉपर। और कल जो मैंने आउटफिट पहना था वो सुपर स्टॉप का था, लिनन शर्ट एंड जीन्स। ओके, तो सबसे पहले दिखाती हूँ मैं लेके आई ये वाला एक टोट बैग फ्रॉम वेस्ट साइड, सो गुड। इसका टेक्सचर वगैरह बहुत अच्छा है, मे बी एक साल तो चली जाएगा ये। और इस टाइप से येलो स्ट्रैप्स हैं इनसाइड और बाहर से ऐसा है, ये लाइट पिंक क्रीम काइंड ऑफ शेड है एंड बहुत ही सुंदर सा। ये देखो अंदर से पूरा येलो एंड ये पॉकेट, एक छोटा सा कार्ड होल्डर काइंड ऑफ पॉकेट जो लोगो को शो करता है और इनका लोगो अंदर एक ये लगा हुआ है, देखो आप ध्यान से ये देखो। और एक इसकी बड़ी सी है जिप, सो आई लव टोट्स बैग स्पेशली इन ट्रैवलिंग। मैं बहुत सारा सामान भर के ले जाती हूँ, मुझे आदत है। एंड ये आया 1699 एंड एक मैंने ये लाया है छोटा सा पोम पोम वाला बैंड, बहुत ही मेकअप एंड ऑल, या फिर मैं इसको ज़्यादा यूज़ तो नहीं करूँगी बट आई लव दिस काइंड ऑफ स्टफ, तो मैं ये लेके आई हूँ। और मेरे फुटवेयर्स मैंने रैक में लगा दिए, मैं वहाँ से निकाल के दिखाती हूँ, मैंने टैग्स नहीं हटाए हैं। और मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी, अगर आप वेबसाइट जाते हो तो परचेज योर गिफ्ट कार्ड फ्रॉम देयर और वेबसाइट का आप ले लो एंड आप लो टाटा नियो ऐप से, अमेजोन पर भी मिलता है बट टाटा नियो ऐप में 10% डिस्काउंट मिलता है। तो ये रहा एक फुटवेयर और ये छोटी छोटी बीट्स लगी हुई एम्ब्रॉयडरी जैसा है, तो आई लव दिस काइंड ऑफ, अब समर में मुझे फुटवेयर्स चाहिएंगे। और ये मुझे MRP है 1399, मतलब 1400 का हो गया। एंड अनदर फुटवेयर दिस वन मैंने, अच्छा रिजेक्ट कितने किए वो मैं बताती हूँ, 1, 2, 4, 6 से 7 पैर मैंने रिजेक्ट किए मेरे फुटवेयर्स बिकॉज पुराने हो गए थे। ये रहा नेक्स्ट फुटवेयर, डेनिम जैसा इसका स्टाइल है, 999। मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, वो देखिए को ये वाला फुटवेयर लाई हूँ। और जो सब मैं एम्ब्रॉयडरी वाला बोल रही थी मैं ये लेके आई हूँ। अब समर में मुझे फुटवेयर्स चाहिए, मैं बहुत बाहर जाती हूँ तो मुझे फटाफट पहनने के लिए चाहिए होता है और घूमने उमने में भी सुंदर लगता है। फॉर मैचिंग्स मैं इस टाइप की लेके आई हूँ और एक थोड़ा मैं ये वाला लेके आई हूँ, ये फॉर्मल्स है तो कोई ड्रेस वगैरह पे अच्छे लगते हैं, मुझे इस टाइप की शेप वाली फुटवेयर बहुत पसंद है। तो आप देखोगे साइज अलग अलग है, तो मुझे 37 भी आ जाती है, मुझे 38 भी आ जाती है और ये शार्प वाली मैं थोड़ी बड़ी साइज में लेती हूँ, मुझे 39 भी आ जाती है और ये काफी अच्छा स्पॉन्ज है इसमें।
तो हाँ मुझे लगभग ये तीनों शेल्स साइज आ जाती है। ये थोड़ी सी बड़ी होती है बट ये शेप में जो रहता है ना आगे से, इसमें मुझे ये फुटवेयर बड़ी नहीं होती, मुझे परफेक्ट आती है। और ये दोनों मुझे एग्जैक्ट एक जैसी आ जाती है। मेरे पैर बहुत पतले हैं पंजे इसलिए, एंड मैंने सोचा था स्नीकर्स नहीं लूंगी बट मैं अभी घूमने जाने वाली हूँ तो आई थॉट कि स्नीकर्स ले लेती हूँ और समर वेकेशन में भी काम आ जाएगा। तो ये मुझे पड़ा 1699। और हाँ ये वाला जो था ये तो मैं दिखाया ही नहीं कितने का है, ये वाला पड़ा मुझे 1399। ये काफ़ी अच्छा लगता है एक्चुअली इस टाइप के फुटवेयर्स, और इस शेप के विदाउट दिस बेल्ट भी दो तीन शेड के फुटवेयर्स थे एट वेबसाइट। फॉर फिट फुटवेयर्स आई रिकमेंड वेबसाइट, बहुत अच्छा कलेक्शन है, पहनने में भी कंफर्टेबल है। बहुत महंगे फुटवेयर्स मैं लेती हूँ बट वो बहुत वेस्ट जाता है मेरा, क्योंकि वो महंगे होते हैं, मैं हर जगह नहीं पहनती हूँ, ये सालों रखे रखे उस फुटवेयर की ये हालत होती है कि वो पुराने तो हो नहीं है एक्चुअली, तो वो फिर काम नहीं आता। तो यहीं पे एंड करती हूँ मैं व्लॉग। और मेरे बर्थडे पे मेरी फ्रेंड ने मुझे दो साड़ियाँ गिफ्ट की थी, आई विल शो यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बहुत सारी चीज़ शेयर करनी, एक मैंने बहुत क्यूट सा हैंडबैग मंगाया है वो मुझे शेयर करना है। एक्चुअली मैंने बहुत सारी शॉपिंग इधर भी इसलिए की है बिकॉज मेरा बर्थडे मंथ था। मैं साल भर इतनी शॉपिंग नहीं करती हूँ, मैं रिपीट आउटफिट बहुत करती हूँ और मैं एसेसरीज भी बहुत रिपीट करती हूँ। डोंट बिलीव कि बहुत सारा परचेज करो, एंड या तो शेयर करती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग लंबा हो रहा है, बाय बाय।